हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल और अलसनी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, एक करेली है और ये झाटी करेली है और इसी का आज करेली का भुजिया बनाएंगे। तो दोस्तों, ये है करेली, देखिए छोटा छोटा करेली है और देसी करेली है और इसका आज भुजिया बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने करेली को काट लिया है और देखिए दोस्तों, इसी तरह से काटा है मैंने। तो इसका भुजिया बनाएंगे, तो मैं किस तरह से बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इसको धो लेते हैं, पहले पानी डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें पानी डाल दिया है, ऐसे धो लेते हैं। दोस्तों, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और तेल गर्म हो गए हैं। अब इसमें मिर्चा डालते हैं। और करेली को डाल देते हैं। तो इसमें हल्दी नमक डाल दिया है और ऐसे ही भून भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हल्दी नमक डाल दिया है और अच्छे से इसे भूनेंगे और ढकेंगे नहीं। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पे चावल बन रहा है, सिर्फ ऐसे ही भूनेंगे इसको। तो दोस्तों, थोड़ा सा और पकेगा और आंच को धीमी कर दिए हैं। तो दोस्तों, दो ठो नाश्ता के बर्तन है, इसे साफ कर लेते हैं। और इधर भुंजिया तब तक बन रहा है। तो दोस्तों, दो ठो बर्तन है, इसे साफ कर लेते हैं। नाश्ता किया हुआ बर्तन है देखो। तो दोस्तों, अब बर्तन साफ कर लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से बन गए हैं।
तो चलिए दोस्तों अभी बाहर की ओर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ का मौसम किस तरह से है। आज बहुत तेज से धूप उगा था। तो दोस्तों आज बहुत तेज से धूप उगा है, देख सकते हैं। साढ़े तीन बजे हैं और कितना धूप है। तो दोस्तों अभी दूध गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे। तो दोस्तों सुबह से ला के रखा था, गरम नहीं किए थे, तो अभी चढ़ा दे रहे हैं। तो कम आंच में चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए और धीरे धीरे गरम होगा। तो गरम होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।